मंगलवार 16 जनवरी को बीदर के समीप जनवाड़ा के अली अंबर रोड पर दोपहर 3:30 बजे एक टू व्हीलर वाहन का एक्सीडेंट हुआ। इस टू व्हीलर पर मंजुनाथ और वेंकट नाम के व्यक्ति सवार थे। इस एक्सीडेंट के कारण ये दो व्यक्ति घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन दोनों को जनवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की पोल खुल गई, क्योंकि जिस समय इन दो घायल व्यक्तियों को अस्पताल लाया गया उस समय अस्पताल में दो चपरासी और एक नर्स के अलावा कोई उपस्थित नहीं था। शाम को करीब 6 बजे डॉक्टर यहां पहुंचे, तब तक घायल व्यक्ति दर्द से परेशान थे। स्थानीय लोगों और घायल व्यक्तियों के परिजनों ने जनवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही पर भारी हंगामा किया और इस लापरवाही की निंदा की। जिला प्रशासन, डीएचओ बीदर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, मिनिस्टर रहीम खान, हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव को चाहिए कि जनवाड़ा हॉस्पिटल का दौरा कर यहां के स्टाफ की लापरवाही की जांच करें और यहां पहुंचने वाले रोगियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। बता दें कि सिर्फ यही हॉस्पिटल नहीं बल्कि जिले के सभी हॉस्पिटल्स में स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही और मरीजों से गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जनवाड़ा हॉस्पिटल के परिसर में लोगों ने केप न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की। केप न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। एक्सीडेंट हो गया था, अंदर कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। हम पेशेंट को लेके आए, पेशेंट के कुछ दोस्तों लेके आए, उसको उठा के एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था इधर, तो अंदर सिस्टर भी नहीं थे, एक वार्डन थी मैडम और एक सिस्टर, एक 5 मिनट के बाद आ गए। उसके बाद मैडम को फ़ोन लगाए तो बोलते उन्होंने मीटिंग में थे बोल के बोले, DHO साहब को फ़ोन लगाया हम यहाँ से तो उन्होंने मीटिंग में हूँ बोल के बोले। और हमारे गांव के बच्चे पूरे इससे पहले भी एक बार आए थे रात में 12 बजे, हाँ आए थे पेशेंट को लेके, जब एम्बुलेंस को था एम्बुलेंस भी नहीं था और उसके ड्राइवर क्या बोलता अंदर डीजल नहीं है बोलता रात में 12 बजे, एम्बुलेंस इधर ही था। अब प्रेजेंट एम्बुलेंस में ड्राइवर पीके है, उसको कैसा लेके आना साहब इधर को, ड्रिंक करके फुल और इधर एक बात ये है, और एक साल से इधर मैडम एक ही छह डॉक्टर, और एक डॉक्टर की जरूरत है इधर 24 आवर चलाने के लिए, और एक डॉक्टर की जरूरत है इधर, और एक डॉक्टर होना चाहिए। डिलीवरियों को खाली आते इसकी चेक करते इसके भीतर को भेज रहे, अब कोई गरीब आया बोले तो भी डिलीवरी कराओ तो 5-10 हज़ार रुपये ले रहे उससे, गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे फ्री इलाज होना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इसमें कुछ वैक्सीन है उसके एक्सपायर हो गए सर डेट, अब देखे चेक करें यहाँ पे अंदर आके बच्चे तो एक्सपायर हो गए सर डेट, हाँ अच्छा ट्रीटमेंट करना यहाँ पे बोल के इतना ही बोल रहे हैं। और ड्राइवर क्या है नशे में रह रहा है एनी टाइम, ड्राइवर चेंज होना, अब जो जो ड्यूटी पे नहीं है उन्होंने सस्पेंड होना। अब यहाँ पे थे मैडम एकले, सिस्टर मैडम एकले थे और एक वार्डन एकली थी अंदर, दो ही थे, मैडम भी नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं थे, ड्राइवर नहीं था। मेरा नाम ताज पटेल है, जनवाड़ा, फ्रॉम जनवाड़ा। ಇವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಪಾಪ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು। ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ಲೋ ಜಾಗನ ಇದು, ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು, ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಉಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಜನವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। हम बोले कई को भाई बोलते मेरे को पूछने वाला कौन है, ऊपर ऑफिसर ने पूछा तू कौन है बोल के मेरे को बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ये 2-3 किलोमीटर दूर आगे गिरे थे अलीमा रोड को, अलीमा रोड को गिरे थे, यहाँ से हम लाए, लाने के बाद इधर कोई नहीं थे, कोई दो पेशेंट नर्स ये क्या बोलते चपरासी एक नर्स थे उत्तर उसको छोड़ के कोई नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कोई नहीं थे। कितने बजे आए पेशेंट को लेके इधर? पेशेंट को लेके 3:30 बजे आए, उधर इधर देखा कोई नहीं थे, हम उधर आ गए, वो चपरासी थे
वो क्या करे उसका ये करे आईडी नंबर क्या छोड़ दिए। एक सिस्टर थे डॉक्टर साहब कब आए? डॉक्टर साहब साढ़े छः बजे आ गए डॉक्टर साहब। एमएलसी हो गए सिस्टर आए एमएलसी हो गए क्या निकले अभी गए अंदर जब आके उधर वार्ड इसमें बैठे क्वार्टर्स में बैठ गए। कौन बैठे? डॉक्टर साहब आके क्वार्टर्स में बैठ गए दो घंटा अभी गए एक 10 मिनट क्या हुआ अंदर जाके डॉक्टर साहब अभी एमएलसी अभी नहीं कर लिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अपना नाम क्या है? गणपति। कौन सा नाम? जनवाड़ा। ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ನೀರು ಸಲುವಾಗಿನೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆದ ಹರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಹರ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಬಂದಿನಾಗ ನಡೆದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಸರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಯಾರು ತೂತಾರೆ 5000 ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನವ್ರ ಹೆಸರು? ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ